गाइस मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह मेरे पे एक दुश्मन का हमला हुआ है, वो भी तब जब मैं बस घर से निकल ही रहा था। दुश्मन काफी खतरनाक था, मैं उसको पलटवार कर सकता था, पर मैंने जान बचाकर भागने में अपनी भलाई समझी। पूछोगे नहीं कौन था हमलावर? शी इज माय वाइफ, मेरी धर्म पत्नी। भाइयों की जो औरत है ना, ये औरत ही है जो आदमी को मनमोहन सिंह बनाती है, वरना पैदा तो सब मोदी होते हैं। छोटी सी बात थी, सुबह सुबह मेरे पास आती है, पास आके बोलती है, अजी सुनते हो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, पड़ोसी बार बार मुझे देखने की कोशिश करता है। तो मैं बोला देख लेने दो, कर लेने दो, उसको भी तसल्ली, खुद ही पर्दे लगा लेगा। सुबह से नाश्ता तो कर नहीं पाया, ये बाजू वाले होटल से भी खाना खा के आ रहा हूं। हर नॉर्मल इंसान के पास खोपड़ी नाम की चीज होती है, यू नो खोपड़ी? हाँ, इसमें दिमाग हो या ना हो, भूसा या 250 ग्राम गोबर तो कूट कूट के भरा होता है। दिमाग शरीर का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 24 घंटे बिना रुके टक 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 फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पैदा होने से लेकर के काम करना शुरू करता है। पूछोगे नहीं कब तक? शादी में। और शादी के बाद जो सबसे पहली चीज जो महसूस करोगे वो ये कि बेस्ट मां तो भगवान ने सबको दी होती है, पर बहन जो बेस्ट बीवी आपकी पड़ोसी की ही निकलेगी। हाँ, पर आपको मेरी एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी, शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल कश्मीर जैसी है। ओह ठीक है, तो है साला आतंक होता है। शादी के 8 हिस्से होते हैं, पढ़ाई, खेल, मौज मस्ती, प्यार, शादी। ये 3 शादी के बाद खत्म हो जाते हैं, गेम ओवर मेरे भाई। और अगर आप शादी कर रहे हो तो आपके पास मेरे जैसा एक फ्रेंड होना चाहिए, ताकि जिस दिन आपके घर में लौकी, कुंदरू या भिंडी बने तो कम से कम भाई जब इनके घर जाके खाना तो खा सकते हो। लास्ट वीक मेरे वाइफ मेरे पास आई, पास आकर के बोलती है, सुनो ना, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो तुम क्या दोगे? आप लोग वही सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं। हाँ, सोचना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। इमेजिन करिए मेरी वाइफ माउंट एवरेस्ट पे खड़ी है, टॉप पे, एकदम टॉप, मतलब डेप्थ है सामने, क्या दे सकते उस वर्ड में? धक्का। मैंने बोल दिया उसको, 2-3 दिन से मेरे दोस्त के वहीं अभी खाना पीना चल रहा है मेरा। दोस्तों कभी कभी तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है, इतनी वर्स्ट में इतना मेरा खून खौलता है ना कि उस मोमेंट में क्या करता हूं मैं। आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा, जब इतना ज्यादा हद से ज्यादा गुस्सा बढ़ जाए, इतनी ज्यादा आर्गुमेंटेशन स्टार्ट हो जाए और इतना ज्यादा झगड़ा स्टार्ट हो जाए ना, उसी समय अपनी चप्पल उठाइए या जूता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो नजदीकी, पहने और घर से बाहर कहीं घूमने के लिए शांत चले जाइए, एकांत में कहीं घूमने निकल जाइए। मैं भी ऐसे ही करता हूं। बीच में आप लोगों ने जो सोचा ना, उसके लिए 56 इंच का छाती चाहिए भाई, 56 इंच की छाती, सीना चाहिए 56 इंच का। दोस्तों शादी के बाद पत्नी में काफी तरह के बदलाव आते हैं, ऐसे ही कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। कैसे कैसे पहले साल